हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मीशो पर अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं। जी दोस्तों, आपने सही सुना, सही वीडियो पर आया है। तो यहाँ पे देख सकती हो आप, पहली बार आपके प्ले स्टोर से मीशो ऐप को ओपन कर रहे हो। ओपन करने के बाद दोस्तों डाउनलोड कर रहे हो। डाउनलोड करने के बाद आपका जो मीशो अकाउंट है आप बनाना चाहते हो, आप कैसे बनाओगे, तो यहाँ पे हम आपको एक एक प्रोसेस दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वीडियो पूरा ध्यान से देखना है, स्किप करके देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो मीशो मैंने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपको भी ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो मीशो करके यहाँ पे इसी तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो सोर्स लैंग्वेज करके यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इंग्लिश यहाँ पे सोर्स करना चाहते हो तो इंग्लिश कर सकते हो। आपका जो मातृभाषा है दोस्तों यहाँ पे मिल जाएगा, मराठी, बांग्ला देख सकती हो, तमिल, तेलुगु, हिंदी, तो जो भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो मैं अभी इंग्लिश कर देता हूँ, ठीक है। इंग्लिश करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इसी तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे फीमेल बोल रहा है, मेल बोल रहा है। अगर आप फीमेल लड़की है तो आपको लड़की सिलेक्ट कर देना है, अगर आप लड़का हो तो यहाँ पे मेल पे सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। और करने के बाद दोस्तों कंटिन्यू करके जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको इसी तरह का इंटरव्यू खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम रुक लेना है। और यहाँ पे जो आपका नंबर है दोस्तों, आपका नंबर यहाँ पे दे देना है। तो मेरा नंबर यहाँ पे आ गया, तो मैं नंबर दे देता हूँ, ठीक है। और देने के बाद दोस्तों यहाँ पे मेरे नंबर पे एक OTP आ जाएगा। आपका नंबर देने के बाद आपके नंबर पे एक OTP आ जाएगा। आने के बाद दोस्तों यहाँ पे वेरीफाई अपने आप ही हो जाएगा। और आने के बाद दोस्तों यहाँ पे मेल पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो इसी तरह का इंटरव्यू खुल के आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों अभी आपको अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको नीचे स्क्रॉल करना है, ठीक है। करने के बाद दोस्तों आपको कोई भी एक सामान को यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। और यहाँ पे देख सकते हो ये शर्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ। करने के बाद दोस्तों अभी इसी तरह का इंटरव्यू खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे बाय नाउ करके जो आ रहा है, यहाँ पे आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सिलेक्ट साइज सिलेक्ट करना है। करने के बाद यहाँ पे आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। और करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इसी तरह का इंटरव्यू खुल के आ जाएगा। और यहाँ पे आपको डिलीवरी एड्रेस करके लिखा आ जाएगा। तो आपको एड्रेस जो आ रहा है यहाँ पे आपको एड्रेस पे क्लिक करना है, ठीक है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इसी तरह का इंटरव्यू खुल के आ जाएगा। यहाँ पे अलाउ आ जाएगा, आपको अलाउ पे क्लिक करना है। और अलाउ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, ओके पे क्लिक करना है। और करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम रुक लेना है, ठीक है। और करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पे नेम आ रहा है। तो आपका जो नेम है दोस्तों यहाँ पे दे देना। तो मेरा नाम यहाँ पे दे देता हूँ, देख सकते हो मैंने दे दिया। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, आपका जो नंबर है दोस्तों आपके मोबाइल में जो नंबर लगा हुआ है यही नंबर यहाँ पे दे देना है। तो मैं यही नंबर यहाँ पे दे देता हूँ। और देने के बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट करके जो ऑप्शन है, नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो लोकेशन है, गेटिंग योर लोकेशन करके यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम रुक लेना है, ठीक है। और रुकने के बाद यहाँ पे देख सकते हो इसी तरह का इंटरव्यू खुल के आ जाएगा। दोस्तों आपको यहाँ पे पिन कोड आ जाएगा, आप जो लोकेशन यहाँ पे अपने आप ही आ जाएगा, नौगांव आसाम, यहाँ पे देख सकते हो मैं जहाँ पे रहता हूँ। और हाउस नंबर जो मेरा है यहाँ पे मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो आपका हाउस नंबर यहाँ पे दे देना है। और देने के बाद दोस्तों अभी यहाँ पे सेव एड्रेस एंड कंटिन्यू करके जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आपका जो अकाउंट है यहाँ पे क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस दिखा है इसी प्रोसेस से ही दोस्तों आप आपका जो मीशो अकाउंट पर आप मीशो ऐप पर आप अकाउंट बना सकते हो, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो देखने के बाद आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा। और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों इसे जरूर शेयर करना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।